Hello students, my today's topic is biodiversity. Last time we have discussed about characteristics of livings or differences between livings and non-livings. Now today we are going to discuss about biodiversity. First of all, we are define biodiversity. What is the biodiversity? This is the variation in habitual, morphological and genetical between ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. यानी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स हैं जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं. यानी उनके हैबिट में जो है हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएशंस है. कुछ ऑर्गेनिज़म वाटर के अंदर होते हैं तो कुछ क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं. ठीक है, तो इनके हैबिटेट में क्या है डिफरेंट डिफरेंसेस हैं. ओके, यानी वेरिएशंस पाई जा रही हैं. तो ये क्या है आपका बायोडाइवर्सिटी. इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो उनकी मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी उनका कलर भी देखते हो आप लोग चेंजेस होते हैं. इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग देखें तो उनकी साइज़ भी जो है वो वेरीज होती हैं, अलग अलग होती हैं. जैसे कि एक चींटी को देख लें और एक एलिफेंट को देख लें तो उनकी साइज़ भी क्या है बिल्कुल वेरीज हैं. तो हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के बीच में मॉर्फोलॉजिकली, हैबिचुअली और जेनेटिकली, यानी कि उनके जेनेटिक कैरेक्टर. हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक ही जो ऑर्गेनिज्म के दो जो कह सकते हैं प्रोजेनी है या ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें भी वेरिएशंस देखने को मिलती है. ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो वेरिएशंस हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ओके, रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ 1.7 to 1.8 million. ठीक है, तो लगभग हमारे अर्थ पे 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बेटा? आइडेंटिफिकेशन मीन्स कंपेयरिंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस विथ ऑलरेडी नोन वंस. सपोज करो आपके पास ये एक ए और बी, ये पहले से नोन ऑर्गेनिज्म है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म आपको ओ मिलता है. ओके, कहीं पे आप लोगों को ये न्यू ऑर्गेनिज्म मिला ओ, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों पहले नोन ऑर्गेनिज्म से इनके बीच में कंपेयरिंग करेंगे. ठीक है, और जिससे इनकी सिमिलरिटीज़ मिलेगी ठीक है उसको उस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं इसको रख देते हैं या ग्रुपिंग कर देते हैं. ठीक है, जिससे सिमिलरिटीज़ होगी उसी ग्रुप में उसको क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे और जिससे डिफरेंस होगा उसको उस ग्रुप से अलग कर देंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को जो प्री एग्जिस्ट ऑर्गेनिज्म है उससे कंपेयर करते हैं कि मीन्स वो कितना सिमिलर है या कितना डिससिमिलर है. ठीक है, तो और उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उस ग्रुप में पुट कर देते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट नोमेनक्लेचर. तो नोमेनक्लेचर में देखिए क्या है बेटा, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें क्या है उस ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना होता है. ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का हम नेमिंग करते हैं और वो नेम कैसा होना चाहिए यूनिक और यूनिवर्सल होना चाहिए. ठीक है, नेम यूनिक एंड यूनिवर्सल होना चाहिए जो कि कहने का मतलब है कि पूरे हमारे अर्थ प्लेनेट पे उसी नाम से जाना जाना चाहिए और वो यूनिक नेम होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर आर प्रोवाइडेड बाय, ये इम्पोर्टेंट है इसको देखिएगा, ICBN. अगर कोई प्लांट्स होता है तो उसको जो नेमिंग करते हैं उस इंस्टीट्यूट को हम लोग क्या कहेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर द्वारा जो है वो प्लांट्स को नेमिंग किया जाता है, जो भी न्यू प्लांट्स मिलते हैं या जितने भी प्लांट्स को अभी तक नेमिंग की गई है. ओके, दूसरा है ICZN जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो जितने भी एनिमल्स डिस्कवर्ड हो रहे हैं या हुए हैं उनको नेमिंग कौन करता है ICZN. तो इसका फुल फॉर्म पूछता है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर
इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, और इनको हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलस लिनियस इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर भी हम एक बार और बता देते हैं आपको। टैक्सोनॉमी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि नेम विथ टू पार्ट्स, ओके। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनका साइंटिफिक नेम टू वर्ड से मिलकर बने हैं, ठीक है, टू वर्ड से मिलकर बने होते हैं, उनके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नेम जिसको कि हम लोग जेनरिक नेम कहते हैं या जीनस, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है, इसमें आप लोग देख रहे हो मैंजीफेरा जो कि जीनस है और इंडिका स्पीसीज, ठीक है। तो बाइनोमियल, बाइनोमियल में दो नेम होंगे, फर्स्ट नेम जो होगा वो जेनरिक नेम होगा और सेकेंड नेम क्या होगा? स्पेसिफिक नेम यानी स्पीसीज नेम होगा, ओके। नेक्स्ट प्रिंसिपल फॉर नोमेनक्लेचर, तो इसको भी जल्दी से आइए देख लेते हैं। इट शुड बी लैटिन, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग नेमिंग करते हैं लेते हैं तो वो कैसा होता है? लैटिन वर्ड होता है, ठीक है। इट इज़ रिटेन इन इटैलिक्स, ठीक है। इसको हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं जब टाइप करते हैं, ओके। जब हम लोग इसकी टाइपिंग करेंगे तो वो इटैलिक्स में राइट करते हैं उसको। इटैलिक्स का मतलब थोड़ा तिरछा इस तरीके से, ओके, इस टाइप से, ठीक है बेटा, मतलब थोड़ा सा तिरछा रहेगा वो, ओके। तो इटैलिक्स में उसको टाइप करते हैं एंड अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन, और अगर हम लोग उसको हाथ से लिखें तो उसके नीचे क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। और याद रखिएगा दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, जेनरिक नेम को अलग और स्पीसीज नेम को अलग, ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, ठीक। इट कंटेंस टू पार्ट्स, देख लो आप लोग कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं। इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट नेम जो कि जीनस होता है और सेकेंड नेम स्पीसीज होता है, ओके। जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन, जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वाइल स्पीसीज नेम स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, ठीक है, और जो स्पीसीज नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ओके। इसके अलावा और क्या प्रिंसिपल है इसके? नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस, नेम जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और ईजिली उसको हम लोग क्या कर सकें? प्रोनाउंस कर सकें, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। मैंजीफेरा क्या है? जीनस है, और जीनस का नेम हम लोगों ने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है और स्पीसीज का नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये हैंड रिटन है इसलिए इसके नीचे क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया है, ओके। होमोसेपियंस मैन का, पैंथ्रा पार्डस लेपर्ड का, और फेलिस डोमेस्टिका जो कि कैट का साइंटिफिक नेम है, ओके। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम आप लोग राइट कर लेना ज़रूर से। नेक्स्ट नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है? क्यों हम लोगों को क्लासिफाइड करना ज़रूरी है? जितने भी मतलब डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्लासिफाइड करने की ज़रूरत क्यों है? एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज़ करो आपके पास जो जहाँ आप लोग स्टडी करते हो वहाँ एक अलमीरा है, ठीक है, उस अलमीरा में बहुत सारे बुक्स हैं, साइंस की बुक है, मैथ्स की बुक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट राइटर के हैं और सब मिक्स हैं। तो अगर आपको वहाँ से कोई बुक निकालनी हो तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। बट अगर हम लोग उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रखें, यानी अलग अलग जैसे साइंस की सारी बुक एक साथ रखें, मैथ्स की सारी बुक एक साथ रखें, तो हम लोग ईज़िली जाकर सिर्फ साइंस की बुक मांगी गई तो साइंस के उस रो में सर्च करके उस बुक को ईज़िली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाइड करने की ज़रूरत क्यों है? तो आओ देखते हैं। हमें क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए होती है क्योंकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन कर सकें, ठीक है,
बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म की इजली आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसका नेमिंग कर सकें और उसको इजली क्लासिफाइड कर सकें डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी की हेल्प कर सकें। ओके, तो क्यों है हमें क्लासिफिकेशन की नीड, एक बार और समझोगे इसको। इसकी नीड हमें इसलिए होती है ताकि हम बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर कर सकें और उसके साथ साथ उसकी क्लासिफिकेशन कर सकें या उसकी ग्रुपिंग कर सकें और बायोडाइवर्सिटी की हेल्प कर सकें।